चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, थ्री चार्जेस माइनस क्यू प्लस कैपिटल क्यू एन माइनस स्मॉल क्यू आर प्लेस्ड इन अ स्ट्रेट लाइन एज शोन इन फिगर। ठीक है, अच्छा, इफ द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज जीरो देन द रेशियो ऑफ स्मॉल क्यू एंड कैपिटल क्यू कितना होगा। तो सबसे पहले क्या करोगे, पोटेंशियल एनर्जी को जीरो कह रहा है तो सब एक एक करके सभी चार्ज को इन्फिनिटी पे रखो और एक एक वन बाई वन लेके आओ। यानी इसको पहला चार्ज मान लेते हैं, इसको दूसरा चार्ज और इसको तीसरा चार्ज। तो वन बाई वन अगर, और इनके बीच की डिस्टेंस x x है, तो पहले चार्ज को लाने पे वर्क डन कितना होगा, जीरो। दूसरे चार्ज को लाने पे वर्क डन कितना होगा, दूसरा चार्ज है प्लस q, पोटेंशियल कितना होगा k माइनस q अपॉन x। तीसरे चार्ज को लाने में वर्क डन कितना होगा, तीसरा चार्ज ये है माइनस स्मॉल q, उसको लाने में वर्क डन कितना होगा, माइनस q k माइनस q अपॉन 2x, और इसके रिस्पेक्ट में कितना होगा, माइनस क्यू के प्लस क्यू अपॉन एक्स। पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो तीनों का सम कर दो, तीनों वर्क डन लिख क्यों नहीं रहा है, क्यू डब्ल्यू वन, डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू प्लस डब्ल्यू थ्री। ठीक है, डब्ल्यू वन की वैल्यू जीरो, डब्ल्यू टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एक्स, ये कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन टू एक्स, ये कितना हो जाएगा, माइनस के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एक्स। पोटेंशियल एनर्जी ये हो गई, इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी जीरो, इसका मतलब ये पूरा टर्म जीरो, ये पूरा टर्म जीरो, तो अगर ये जीरो है तो पूरा टर्म जीरो होगा। तो इसको ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये कितना होगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन टू एक्स माइनस टू के क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एक्स होगा इक्वल टू जीरो। सही लिख रहे हैं ना, देखो कुछ गलत नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, तो कॉमन क्या ले लो, यहां लिख देते हैं, कॉमन क्या होगा, के स्मॉल क्यू अपॉन एक्स कॉमन ले लो, जो बचेगा वहां लिख देते हैं, क्यू अपॉन टू माइनस टू टू इंटू कैपिटल क्यू इक्वल टू जीरो। तो क्या हो जाएगा ये, क्यू बाई टू माइनस टू क्यू इक्वल टू जीरो। इसको उधर भेज दो, क्यू बाई टू इज इक्वल टू टू कैपिटल क्यू, क्यू को इधर ले आओ और टू को उधर भेज दो, q अपॉन कैपिटल q इज इक्वल टू फोर, फोर इज टू वन, फोर इज टू वन, फोर इज टू वन यानी फोर, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।